दोस्तों आपका मेरे चैनल में स्वागत है। पति कौन, दूसरी कहानी, बेताल 25। 25 यमुना के किनारे धर्मस्थान नामक एक नगर था। उस नगर में गणाधिप नाम का राजा राज करता था। उसी में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण यमुना के तट पर जप तप किया करता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम मालती था। वह बड़ी रूपवती थी। जब वह ब्याह के योग्य हुई तो उसके माता पिता और भाई को चिंता हुई। संयोग से एक दिन जब ब्राह्मण अपने किसी यजमान की बारात में गया था और भाई पढ़ने गया था, तभी उनके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की माँ ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं तुमसे अपनी लड़की का ब्याह करूंगी। होनहार की बात की, उधर ब्राह्मण पिता को भी एक दूसरा लड़का मिल गया और उसने उस लड़के को भी यही वचन दे दिया। उधर ब्राह्मण का लड़का जहाँ पढ़ने गया था, वहाँ वह एक लड़के से यही वादा कर आया। कुछ समय बाद बाप बेटे घर में इकट्ठे हुए तो देखते क्या है कि वहाँ एक तीसरा लड़का और मौजूद है। दो उनके साथ आए थे। अब क्या हो, ब्राह्मण, उसका लड़का और ब्राह्मणी बड़े सोच में पड़े। देव योग से हुआ क्या कि लड़की को सांप ने काट लिया और वह मर गई। उसके बाप भाई और तीनों लड़कों ने बड़ी भागदौड़ की। जहर झाड़ने वाले को बुलाया पर कोई नतीजा ना निकला। सब अपनी अपनी करके चले गए। दुखी होकर वे उस लड़की को शमशान में ले गए और क्रिया कर्म कराए। तीनों लड़कों में से एक ने तो उसकी हड्डियां चुन ली और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और वहीं झोपड़ी डालकर रहने लगा। तीसरा योगी होकर देश विदेश घूमने लगा। एक दिन की बात है, वह तीसरा लड़का घूमते घामते किसी नगर में पहुंचा और एक ब्राह्मणी के घर भोजन करने बैठा। जैसे ही उस घर की ब्राह्मणी भोजन परोसने आई कि उसके छोटे लड़के ने उसका आंचल पकड़ लिया। ब्राह्मणी से अपना आंचल छुटता नहीं था। ब्राह्मणी को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने लड़के को झिड़का मारा पीटा, फिर भी वह ना माना तो ब्राह्मणी ने उसे उठाकर जलते चूल्हे में पटक दिया। लड़का जलकर राख हो गया। ब्राह्मण बिना भोजन किए ही उठ खड़ा हुआ। घर वालों ने बहुत तेरा कहा पर वह भोजन करने के लिए राजी ना हुआ। उसने कहा कि जिस घर में ऐसी राक्षसी हो उसमें मैं भोजन नहीं कर सकता। इतना सुनकर वह आदमी भीतर गया और संजीवनी विद्या की पोथी लाकर एक मंत्र पढ़ा। जलकर राख हो चुका लड़का फिर से जीवित हो गया। यह देखकर ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर वह पोथी मेरे हाथ पड़ जाए तो मैं भी उस लड़की को फिर से जिंदा जिला सकता हूँ। इसके बाद उसने भोजन किया और वहीं ठहर गया। जब रात को सब खा पीकर सो गए तो वह ब्राह्मण चुपचाप वह पोथी लेकर चल दिया। जिस स्थान पर उस लड़की को जलाया गया था वहां जाकर उसने देखा कि दूसरे लड़के वहां बैठे बातें कर रहे हैं। इस ब्राह्मण के यह कहने पर कि उसे संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई है और वह मंत्र पढ़कर लड़की को जिला सकता है, उन दोनों ने हड्डियां और राख निकाली। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा वह लड़की जी उठी। अब तीनों उसके पीछे आपस में झगड़ने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, राजा बताओ कि वह लड़की किसकी स्त्री होनी चाहिए। राजा ने जवाब दिया, जो वहां कुटिया बनाकर रहा उसकी। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा बोला, जिसने हड्डियां रखी वह तो उसके बेटे के बराबर हुआ। जिसने विद्या सीखकर जीवन दान दिया वह बाप के बराबर हुआ। जो राख लेकर रमा रहा वही उसकी हकदार है। राजा का यह जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा को फिर लौटना पड़ा और जब वह उसे लेकर चला तो बेताल ने तीसरी कहानी सुनाई।
अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।